नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Amazon शॉपिंग ऐप से अगर आप कोई प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किए हैं तो उस प्रोडक्ट को यदि आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैसे उस प्रोडक्ट को आप कैंसिल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो उस प्रोडक्ट को कैंसिल करने के लिए ओपन कीजिएगा अपने अमेजन ऐप को। दोस्तों अपने प्रोडक्ट को कैंसिल करना बड़ा ही सिंपल काम है, इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पर, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन लाइन बना हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा योर ऑर्डर, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा योर ऑर्डर पे। अब योर ऑर्डर पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप जितने भी प्रोडक्ट को आप परचेज किए रहते हैं उन सभी का यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट परचेज किया हूँ, तो फिलहाल मैं इस मोबाइल को परचेज किया हूँ और ये मोबाइल हमारा अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। तो इस प्रोडक्ट को हमें कैंसिल करना है, तो इसे कैंसिल करने के लिए इस प्रोडक्ट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर की स्टेटस दिख जाती है और इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट कैंसिलेशन का, तो इसे कैंसिल अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा रिक्वेस्ट कैंसिलेशन पे। रिक्वेस्ट कैंसिलेशन पे क्लिक कर देने के बाद यदि आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा सेव। अब यहाँ से आपकी ये प्रोडक्ट कैंसिल हो जाती है। अभी यहाँ पे ये प्रोडक्ट पेंडिंग में है लेकिन कुछ ही मिनटों में ये कैंसिल हो जाएगी। अगर आप इस प्रोडक्ट का ऑनलाइन पेमेंट कर दिए हैं, जिस मोड से आप पेमेंट किए हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट किए हैं, उसी मोड से आपके अकाउंट में 2 से 3 दिन में पैसे रिटर्न आ जाते हैं। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी किए हैं तो फिर कोई बात नहीं है। तो ये थी छोटी सी वीडियो कि अमेजन में अपने प्रोडक्ट को कैंसिल कैसे करें। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।